अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं उस्मान स्टिक। हमारी आज की वीडियो जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पे होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से अनाउंस हुई हैं। अब इस पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको कैसे फिल आउट करना है और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू बाकी प्रोग्राम से। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उसके साथ साथ जो ICYF यंग वॉलंटियर्स कैंप है उसकी लास्ट डेट जो है वो 13 जून है, तो जल्दी से जाएं इस पर भी अप्लाई करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है जो लिंक का इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो हमेशा की तरह आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एंट्री फॉर इंटर्न्स पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको ये एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी सारी के आप लोग जो हैं वो एलिजिबल कंट्रीज में होने चाहिए, ठीक है। ए कोर्स है, ठीक है, जो कि 5 days a week होगा, और बी कोर्स जो है वो आप घर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। अब प्रोफिशिएंसी जो है या फिर आपकी प्रोफिशिएंसी जापान में होनी चाहिए, जापानीज में, या फिर आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनकी मोस्टली होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है ये आप पढ़ लीजिएगा कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बाकी सारी जो है वो जनरल बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि आपको सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो है आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट ओपन होगी जिस पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, तो उसको बड़े ही ध्यान से जो है वो फिल आउट करना है आपने, ठीक है। उसमें ये देख सकते हैं आप, इसमें जापानीज भी लिखी हुई है, इसमें इंग्लिश भी लिखी हुई है। सिंपली आप इसे कहेंगे आई कन्फर्म दोज कंटेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में आप सब कर दें टिक, ठीक है। यू कैन कम्युनिकेट, ओके, सब ये सब आप लोगों ने क्या कर देना है, टिक कर देना है। देन यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है, तो आई एग्री टू द अबव कंटेंट्स, ठीक है, ये सारा कुछ जो है इसको आपको एग्री ही करना पड़ेगा। देन आकर ये देखें, अब आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले जो है वो मेन लैंग्वेज ऑफ यूज में आपका होगा इंग्लिश, देन गिवन नेम में होगा मोहम्मद, फैमिली नेम में होगा उस्मान, ठीक है, जैसे मोहम्मद और यहाँ पे हो जाएगा उस्मान। और देन मिडिल नेम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने चेक कर दिया कि मेरा मिडिल नेम नहीं है कोई भी। और देन आप इसमें मदर लैंग्वेज में आप उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप कुछ भी, या इसको आप खाली वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। और देन यहाँ पे है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। देन यूर मेल, तो यहाँ पे होगा मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, ठीक है, अगर अदर हैं तो अदर। एरिया जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, इंडिया, इंडोनेशिया, नहीं बिल्कुल भी अदर एशिया, ठीक है। देन आपको चूज़ करना है यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। मदर लैंग्वेज में आपकी जो भी है, ठीक है, मोस्टली उर्दू ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन प्लीज़ एंटर योर होम एड्रेस, यहाँ पे आप लोगों ने अपना होम एड्रेस लिखना है जो कि पाकिस्तान का है, ठीक है, जो भी है पूरा वो लिखें। देन यहाँ पे आएगा आपका जिप कोड, जो भी है वो आपने लिखना है, गूगल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जिप कोड क्या है। देन यहाँ पे अगेन फिर जो है आप लोग कहेंगे कि अदर एशिया एंड देन कंट्री में आएगा पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है, सिंपली जो आप लोगों की ईमेल है। देन यहाँ पे कंट्री कोड जो कि हमारा +92 है, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है या मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो वो लिखना है, ठीक है, जिस तरह की, ओके। उसके बाद आप लोगों को करना है डू यू प्लान टू, नो आई एम नॉट प्लानिंग टू मूव एनीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपने ए और बी दोनों वे ही क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आपका ए में सिलेक्शन नहीं होती तो आपकी फिर बी में भी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, करंट स्टेटस, तो यहाँ पे आप कर दें स्टूडेंट, ठीक है। और डिग्री क्लासिफिकेशन भी आप लोगों ने बताना है कि अभी आप क्या करें, डिप्लोमा करें, बैचलर्स करें, मास्टर्स करें,
यहाँ पे लोकेशन अगेन पाकिस्तान आएगा, थोड़ा सा लेंथी फॉर्म है ठीक है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। देन होगा फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट, तो आपने वो लिखना है कौन सी आपकी डिपार्टमेंट है, कॉमर्स है ठीक है या फिर एग्रीकल्चर है, जो भी है आप लोगों ने वो। देन यहाँ पे आप लोगों ने एनरोलमेंट डेट लिखनी है, तो एंड देन एक्सपेक्टेड डेट होगी यहाँ पे ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह मैंने ये लिख दी है। तो ये उसके बाद ये है कि आप किस चीज़ में रिसर्च करना चाह रहे हैं ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना हर ऑलमोस्ट हर फील्ड है, इकोनॉमिक्स ठीक है और ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, डोमेस्टिक, आर्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनिमल, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेज, डेंटिस्ट वगैरह भी, वेटरनिटी, हाइजीन, अदर साइंसेज ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर इन फील्ड्स 31 फील्ड्स में भी आपका नहीं है, आर्किटेक्चर वगैरह में भी नहीं है, तो आप यहाँ पे फर्दर बता सकते हैं कि कौन सी फील्ड आपके रिलेटेड है ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू हाईलाइट, अगर आपने कोई और अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं बैकग्राउंड एजुकेशन की, तो वो भी कर सकते हैं ठीक है। देन यहाँ पे है कि अगर आप जो है वो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है ठीक है, आपने कहीं पे भी काम किया, इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं की तो सिंपली इसको आप खाली छोड़ दें ठीक है। देन यहाँ पे है कि किस टाइप की आपने वर्क एक्सपीरियंस। देन यहाँ पे है कि जॉब टाइप एक्सपीरियंस दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द इंटर्नशिप, तो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी जो आपने अभी तक का काम किया हुआ ठीक है वो लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे वैसे ही कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ ठीक है। अदर जॉब टाइप्स, अगर इसके अलावा कोई जॉब टाइप जॉब की हुई आपने, तो डेफिनेटली आपको वो यहाँ पे लिखना होगा ठीक है। स्पेशलिटी एंड स्किल्स, वो आपने यहाँ पे लिखनी है आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं ठीक है। अब एक्सपीरियंस यूजिंग इंग्लिश फॉर बिजनेस, तो यहाँ पे आप कर लें ओकेजनली यूज, और जापानीज तो यहाँ पे कर दें नेवर यूज, क्योंकि हमने कभी अभी तक जापानीज की ही नहीं है। प्लीज इवेल्युएट योर इंग्लिश, तो यहाँ पे ए कर दें ठीक है। हैव यू गिवन टेस्ट को, तो हमने नहीं दिया, तो इसको भी फिर आप जो है वो खाली छोड़ दें। और यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जापानीज है तो डी ठीक है। डू यू क्वालिफाई, तो यहाँ पे होगा नो। डू यू हैव टेकन क्वालिफिकेशन, अगर किसी ने की है तो वो येस कर दे ठीक है, अदरवाइज वो नो ही करेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि कौन कौन सी और लैंग्वेजेस आपने आपको आती हैं, तो इंग्लिश, फारसी, जो भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश तो लिख दिया, उर्दू, फारसी ठीक है, तुर्किश अगर कुछ भी आती है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे है कि अदर स्किल्स आपके पास कौन कौन सी हैं ठीक है। वर्ड आता है आपको, एक्सेल आता है ठीक है, बेसिक आता है, इंटरमीडिएट आता है, वो लिखना आपने, पावर पॉइंट आता है आपको ठीक है। देन यहाँ पे है कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है ये जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनका, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ठीक है। देन नीचे जो है वो मज़ीद यहाँ पे है कि आप लोगों को ये कौन कौन से, मतलब ये डिफरेंट आपको पता ही है अगर थोड़ा सा भी इल्म हो ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जैसे फोटोशॉप हो गया, मतलब और SPSS ठीक है, ऑटो कैड जो है ये मोस्टली यूज़ होता है फोटोशॉप वगैरह में ठीक है। और देन यहाँ पे फोटोशॉप है, तो अगर इनमें से कोई भी किया तो आप यहाँ पे ओके टिक कर सकते हैं ठीक है। देन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब योर डिटेल एक्सपीरियंस इन यूजिंग, तो ये आपने बताना है अपना एक्सपीरियंस कि आपने कहाँ कहाँ पे यूज किया है और कहाँ कहाँ पे यूज नहीं किया हुआ ठीक है। देन यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं ठीक है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, पाइथन हो गई, C++, सी लैंग्वेज ठीक है, जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे सिंपली कर दें नन ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे ठीक है, नन लिख दें। देन है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन अवार्ड्स, तो ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों को अभी तक सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं ठीक है, कोई भी अवार्ड्स मिले हैं आपको, कोई भी अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नीचे लिख रहा है कि इफ़ यू कैन प्लीज इंटर इन जापानीज, अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं जापानीज में तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली इंग्लिश में लिख दें, कोई भी इशू नहीं होगा।
ठीक है, सेल्फ यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी हॉबीज वगैरह बतानी है, ठीक है, फ्री टाइम में क्या करते हैं, अपने टाइम को पास करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, और उसके बाद है कि अगर आप लोगों ने अभी तक जापान विजिट किया तो आपने क्यों किया था, ठीक है, अगर नहीं किया तो सिंपल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दें। उसके बाद आएगा हाउ डिड यू नो अबाउट दिस, तो आप यहाँ पे अदर कर सकते हैं, ठीक है, अदर में कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रही तो सीधी फिर कर दें अनदर सोशल मीडिया कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन द रीजन व्हाई यू डिसाइडेड टू अप्लाई, तो लिख दे के यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं ऐसे एक ही चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि टू वर्क फॉर जापानीज एफिलिएटेड कंपनी बिकॉज आई एम करंटली वर्किंग एट जापानीज, ये भी नहीं कर सकते आप, यहाँ पे कोई भी आप जो है वो जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, मतलब टू इम्प्रूव माई जॉब कैरियर, ठीक है, टू इम्प्रूव जापानीज लैंग्वेज स्किल या टू वर्क फॉर जापानीज, कुछ भी इसमें आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है, आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं ये इंटर्नशिप, ठीक है, इसमें वही होगा कि जापान में ये चीज़ आपकी कोई भी जो फील्ड होगी उसको आपने कंपेयर कर देना है कि जापान में ये अच्छी है, ठीक है, अब इससे ये नहीं कर देना आप ये कह दें कि बेटर है इसका बिल्डिंग, इसमें आपने ये करना है कि बेटर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के, ठीक है। देन यहाँ पे है कि डू यू हैव विशेज टू ऑन इंडस्ट्री, ठीक है, ऑन ऑपरेशन इफ यू कैन पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस, और देन यहाँ पे होगा प्लान्स आफ्टर द इंटर्नशिप, तो आप लिखते हैं कि कन्फर्म कंटिन्यू माई स्टडी, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं कन्फर्म टू स्टडी कन्फर्म वर्किंग इन योर कंपनी, या फिर कुछ भी यहाँ पे नॉट कन्फर्म्ड, अगर हम जाएँ तो होप टू वर्क इन जापान, यहाँ पे आप कन्फर्म करके कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास है कि एक्टिविटी एट कंपनी हैंडलिंग अल्कोहल, यू इंटरेस्टेड इन डूइंग एन इंटर्नशिप एट द होस्ट कंपनी दैट हैंडल्स द अल्कोहल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बिकॉज वी आर मुस्लिम तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे, ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन में वो लोग पूछ रहे हैं कि आपकी डाइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हलाल फूड चाहिए हमें, ठीक है, और देन आपको क्या कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट, तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा, एप्लीकेशन इज नॉट कम्प्लीटेड येट, तो हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, उसको हम कम्प्लीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बाप की ना सारी मतलब के अच्छा, उसके बाद ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन अब आ गई है, जो जो भी हमने लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सब कुछ, और देन लास्ट में यहाँ पे अप्लाई, ठीक है, जैसे ही आप जो हैं वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, बेटर ये है कि आप इसकी एक कॉपी रख लें, ठीक है, कॉपी के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पी दबाएं, ठीक है, एंड सेव एज पीडीएफ करके उसको सेव कर लें अपने पास, अपने पास एक कॉपी रखे हैं, ये हमेशा एक अच्छी बात होती है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर फील्ड है, ऑलमोस्ट हर फील्ड है, ठीक है, और है भी टोटली फंडेड है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है आजकल, तो नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो भी अपलोड करूँगा, ठीक है, अमल फेलोशिप पे, और एक जो है वो एक और दो वीडियोज़ हैं उस पर इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।